वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है आईपीएल का ऑक्शन बहुत ही ज़्यादा करीब आ रहा है। वहीं पे ट्रेड विंडो तो ऑफिशियली ओपन हो चुकी है, जिसमें आप लोगों को एक प्लेयर ट्रेड होता हुआ नजर आया है, जिनका नाम निकल गया था रोमारियो शेफर्ड, जो आप लोग को देखने को मिला है मुंबई इंडियंस में। वहीं पर मैं आरसीबी के लिए एक ऑप्शन बताने वाला हूँ। जैसा कि मालूम होगा आरसीबी का न्यू हेड कोच है यानी कि एंड्री फ्लावर, वो ट्रेड करवा सकते हैं ओडियन स्मिथ को। जी हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि आरसीबी को एक नीड है पावर हिटर की, जो कि अच्छी खासी पावर बैटिंग कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से वो ओडियन स्मिथ निकल के आते हैं। वहीं पे वो अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं आपके लिए, तो मेरे हिसाब से आरसीबी को एक ऑलराउंडर टाइप पैकेज मिलेगा। नंबर 6-7 पे आप उन्हें खिलाइए या फिर नंबर 7-8 पे उन्हें एज अ पावर हिटर आप यूज कर सकते हो। गुजरात टाइटन से आप उन्हें इजिली ट्रेड करवा सकते हो। देखिए क्यों, क्योंकि उन्होंने एक भी मैच गुजरात के लिए नहीं खेला है और वो ट्रेड विंडो में आराम से ओपन हो जाएंगे, तो आप उन्हें आराम से 50 लाख का बेस प्राइस है, कोई भी उनकी रकम इतनी ज्यादा नहीं है, तो आप उन्हें इजिली अपनी टीम में ला सकते हो। देखिए हर टीम में एक ऐसा वेस्ट इंडीज का प्लेयर रहता है जो कि गेम चेंजर रहता है। आप लोग किसी भी टीम में जाइए, आप दिल्ली की टीम में जाओगे, दिल्ली की टीम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे रोमन पाउल है, और वहीं पे आप लोग अगर जाओगे मुंबई इंडियंस में भी आप लोगों को रोमारियो शेफर्ड देखने को मिलेंगे। तो पावर बैटर का प्लेयर एक वेस्ट इंडीज का रहता है हर टीम में, तो मेरे हिसाब से आरसीबी जरूर से वेस्ट इंडीज के प्लेयर यानी कि ओडियन स्मिथ के पीछे जाएगी। देखिए आप नंबर 6-7 के प्लेयर से ये तो डिमांड करोगे नहीं कि हर मैच 50 बना, वो आएंगे ऐसा गेम फिनिश करने के लिए। लास्ट के अगर 2 ओवर बचे हैं तो अच्छी खासी पावर बैटिंग करके 2 ओवर में 30-35 रन बना दे, इतना काफी रहेगा गेम चेंज करने के लिए। तो आरसीबी जरूर से ओडियन स्मिथ को ट्रेड करवाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी जो मैंने आप लोग को इस वीडियो बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।